तो 30 सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसराइल पाउंड्स लेबनन, टू मोर हिजबुल्ला लीडर्स अमंग डेड। दो और हिजबुल्ला के जो लीडर्स हैं उनकी डेथ हो गई है, ठीक है ना। तो हिजबुल्ला कन्फर्म्स नाबिल, नाबिल को काबिल से याद कर सकते हो, काओक, ठीक है ना, एंड अनिल कराकी, ठीक है। अब जो नाबिल कोक है, ठीक है, कोक से याद कर सकते हो, नाबिल कोक जो है डेप्यूटी हेड ऑफ हिजबुल्लाह सेंट्रल काउंसिल, सीनियर कमांडर, और अनिल काराकी क्या था, सीनियर कमांडर। तो अब हमें याद रखना है, हिजबुल्ला का मेन लीडर भी मर गया है, ये भी मार दिए हैं इसराइल ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कारुक वॉज अ वेटरन मेंबर ऑफ हिजबुल्ला गोइंग बैक टू 1980s एंड सर्व्ड एज द ग्रुप्स मिलिट्री कमांडर। ना कुनुक वॉज अ वेटरन मेंबर ऑफ हिजबुल्ला गोइंग बैक टू 1980s एंड सर्व्ड एज द ग्रुप्स मिलिट्री कमांडर इन सदरन लेबनन। अब यहाँ पे ये लिखेंगे कि कोक जो था सर्व्ड एज ग्रुप्स मिलिट्री कमांडर इन सदरन लेबनन ड्यूरिंग 2006 वॉर विद इसराइल, ठीक है ना। तो दिस गाय वाज किल्ड, उसके बाद करकी वाज किल्ड इन अ स्ट्राइक टारगेट, फाइन फाइन। उसके बाद हमें सेंथिन बालाजी जो कि जॉब स्कैम, जॉब स्कैम के अंदर, कैश फॉर जॉब स्कैम के अंदर बाहर आ गए हैं अब तो, ठीक है ना, केस चल रहा है इनके ऊपर। तो वी सेंथिल बालाजी, ठीक है, बी सेंथिल बालाजी जो है उनको बना दिया तमिलनाडु मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोहिबिशन एंड एक्साइज। उदयनिधि स्टालिन, हु इज द सन ऑफ सी एम एम के स्टालिन, ही हैज बिकम द डेप्यूटी सी एम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ जाता है। 92% ऑफ वर्कर्स क्लीनिंग अर्बन सीवर्स सेप्टिक टैंक्स बिलोंग टू एस सी एस टी ओ बी सी ग्रुप्स, ठीक है, ये लिख लेंगे। 92% ऑफ वर्कर्स क्लीनिंग अर्बन sewers septic tanks belong to SC ST OBC groups say survey, ठीक है। 92% जो क्लीनिंग कर रहे हैं सुएज टैंक्स और इन सब की, वो कौन सी बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अटेम्प्ट टू एमुलेट पीपल इंगेज इन हजार्डस क्लीनिंग इन दर सिटीज एंड टाउन्स, ठीक है, पहली बार ये अटेम्प्ट किया गया और ये करी। प्रोफाइलिंग ऑफ सुअर सेप्टिक टैंक इज बींग कैरिड आउट बाय, अब यहाँ पे पॉइंट वन होगा ये, प्रोफाइलिंग ऑफ सेप्टिक टैंक्स is being carried out by Ministry of Social Justice and Empowerment as part of its नमस्ते प्रोग्राम। तो जो नमस्ते प्रोग्राम है वो क्या है, नमस्ते प्रोग्राम इज अ स्कीम टू मैकनाइज ऑल सीवर वर्क
एंड प्रिवेंट डेथ्स ड्यू टू हजार्डस क्लीनिंग वर्क. ठीक है ना. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं डाटा कौन इकट्ठा कर रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इकट्ठा कर रही है, नमस्ते प्रोग्राम के अंडर इकट्ठा कर रही है. ठीक है. और नमस्ते प्रोग्राम क्या है कि इनको मैकेनाइज करना है, मतलब मशीन डूइंग द वर्क. क्या चाहते हैं कि मशीन डूइंग द वर्क. ठीक है ना. मशीन जो है मशीन करे, मशीन जो है वो वर्क करे इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बींग्स. जो जो ये सीवेज का काम क्लीन होता है, क्लीन करने का टैंक्स का. ठीक है ना. अब यहाँ पे इन 2023-24 द स्कीम वॉज ब्रॉट इन द टू प्लेस द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स SRMS. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट बनेगा इन 2023-24 दिस स्कीम वॉज ब्रॉट इन टू रिप्लेस द नमस्ते स्कीम रिप्लेस द SRMS. दैट इज SRMS क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स So that is SRMS scheme को replace किया. The union government rationalized that manual scavenging as a practice has ended across the country. Cleaning of sewage, वो कह रहे कि manual जो होता था ना cleaning, वो खत्म हो गया है. Cleaning of sewers अभी भी चल रहा है, but उसको भी वो क्या कर रहे हैं, machine से साफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं. और नमस्ते program में वो machines दे रहे हैं. Program targets workers directly associated with sewer and septic tanks and cleaning, including drivers of de-sludging vehicles. इनको मशीन्स दे रहे हैं कि तुम मशीन्स यूज़ करो. ठीक है ना. तो ये है, तो हमें पता चल गया ना. दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, हर साल इसकी बात होती है. इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ इन 23-24 कितनी हुई, जीडीपी ग्रोथ 8.2% का ग्रोथ रहा, विच इज़ ग्रेट. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर बात करी हुई है प्राइवेट फंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की 4%. ये एलेट वाले ज़रूर नोट करें, एलेट वाले बच्चे NLU दिल्ली का जो LLB का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया की 4% ग्रोथ हुई है इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. That is PFCE. ठीक है ना. तो ये इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद ऑटोक्रेटिक, वो क्या कह रहे हैं, पीटी उषा को बोला कि लोगों ने बोला है कि वो बहुत ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है उनका. ठीक है. ऑटोक्रेटिक का मतलब वो अपनी करती हैं, नो अकाउंट ऑफ अदर पीपल्स विशेस. तो सबसे पहले ऑटोक्रेटिक का मतलब लिख लेंगे. ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, टेकिंग नो अकाउंट ऑफ अदर people's wishes or opinions. ठीक है. अब यहाँ पे पीटी उषा हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेजिडेंट कौन है, पीटी उषा. ठीक है. अब यहाँ पर उनको क्या बोला गया है, एरोगेंट. क्या बोला गया है उनको, ऑटोक्रेटिक. दैट शी इज वेरी वेरी ऑटोक्रेटिक. क्या बोला गया उनको, ऑटोक्रेटिक बोला गया है. राइट. उसके बाद फ्रॉम टेकिंग अबाउट द वर्ल्ड एलीट एथलीट्स विनिंग गोल्ड मेडल्स एट पैरिस ओलंपिक्स एज अ टेलीविजन. अब यहाँ पर हु इज तान्या सचदेव नाउ शी हैज ऑल्सो वन गोल्ड एट चेस ओलंपिक्स एंड शी इज अ टेलीविजन प्रेजेंटर. उसके बाद आगे चलेंगे. द स्पेक्टेटर्स गेव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू द इंडियन रेलवे टीम. किस क्या जीते हैं, MCC 95th
मुरुगप्पा गोल्ड कप। अब जो मुरुगप्पा गोल्ड कप है वो क्या है? ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट है। क्या है ये? ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट है ये, ठीक है ना। और ये किसने जीता? रेलवेज वन फ्रॉम इंडियन ऑयल, दैट इज IOC, दैट इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। अब यहां पर हमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो MCC मुरुगप्पा कप है ये कौन सी गेम का होता है? आंसर क्या है? हॉकी का। इस बार किसने जीता? रेलवेज। अगेन इंपॉर्टेंट, ग्रीन पेन से इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। दुलीप ट्रॉफी सेट टू रिवर्ट टू जोनल फॉर्मेट। सबसे पहले दुलीप ट्रॉफी कौन सी गेम की है? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। दुलीप ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट की है, ठीक है ना। और इसको किस में रिवर्ट कर दिया गया? रिवर्ट टू जोनल फॉर्मेट। कौन से फॉर्मेट में कर दिया गया? वापस से जोनल फॉर्मेट में रिवर्ट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेट टू स्केल अप BCCI ट्रेनिंग सिस्टम। तो BCCI का ट्रेनिंग सिस्टम आ रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया सेटिंग सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन बेंगलुरु, ठीक है ना। फॉर्मली इनॉग्रेटेड ट्वेंटी तक ऑपरेशनल हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। BCCI का क्या आ रहा है? सेंटर ऑफ एक्सलेंस, जहाँ पे वो ट्रेन कर पाएंगे लोगों को, क्रिकेटर्स को, ठीक है ना। वो फॉर्मली इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है, कहाँ पर? बेंगलुरु में। वेरी इजी। उसके बाद मैड डॉक्ट्रिन। अब प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुटिन, जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुटिन, उन्होंने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, उन्होंने कहा है कि अगर कोई हमारे ऊपर नॉन न्यूक्लियर अटैक भी करेगा, कोई न्यूक्लियर कंट्री हमारे ऊपर नॉन न्यूक्लियर अटैक, मतलब नॉन न्यूक्लियर वेपन से भी, जो न्यूक्लियर वेपन नहीं है उससे भी अगर कोई हम पर अटैक करेगा तो हम उसके ऊपर न्यूक्लियर से अटैक कर सकते हैं अगर हमें खतरा लगे। तो उन्होंने अपने डॉक्ट्रिन में ये चेंज लेकर आए हैं वो लोग, रशिया वाले, ठीक है ना। और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज अ रिपीट, ठीक है। उसके बाद द समिट रिजल्टेड। अब ये फ्यूचर समिट की बात करें जो यूएन की कहां पर हुई है? न्यूयॉर्क में हुई है। कहां पर हुई है यूएन की फ्यूचर समिट? यूएन की फ्यूचर समिट कहां पर हुई है? न्यूयॉर्क में हुई है, ठीक है ना। द समिट रिजल्टेड इन ग्लोबल डिजिटल इंपैक्ट इनिशिएटिव एंड अ डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अब यहां पर क्या हुआ है? रिजल्टेड इन, यहां पर क्या हुआ? ग्लोबल डिजिटल इम्पैक्ट इनिशिएटिव एंड अ डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है ना। अब यहां पर द कंक्रीट इम्पैक्ट इज इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल एंड अ ग्लोबल डायलॉग ऑन AI, ठीक है ना। इंटरनेशनल, इसके बारे में हमें कुछ अभी पढ़ना नहीं है, जो चीज़ पे सबसे ज़्यादा डिस्कशन होगी वो इम्पॉर्टेंट होगी, उसके बारे हम लिखेंगे। अभी सिर्फ हम लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है, जिसके बारे में ज़्यादा एडिटोरियल्स आर्टिकल्स लिखे जाएंगे वो हम फिर आगे उस पर डिटेल में पढ़ लेंगे। ऐसे हर चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ना नहीं होता है, राइट। तो ये बात हो रही है फ्यूचर समिट में क्या था, और तीसरी चीज़ हमें पता ही है कि रिफॉर्म ऑफ UNSC, ठीक है ना। UNSC रिफॉर्म्स के बारे में तो बार बार बात हो ही रही है, ठीक है, और हम भी बहुत बार अपने लेक्चर्स में उसकी बात कर चुके हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। स्टूडेंट लेट प्रोटेस्ट हैव मार्ड एक्टिविटी। राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ RGNLU में RGNLU प्रोटेस्ट क्यों हो रही है वहाँ पे प्रोटेस्ट? जो उनका वाइस चांसलर है वो लड़कियों के हॉस्टल में घुस गए बिना परमिशन के, अब बच्चे जो हैं उनकी रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। तो राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में क्या हुआ है? वाइस चांसलर जय शंकर सिंह एंटर्ड गर्ल्स हॉस्टल विदाउट परमिशन और प्रायर नोटिस।
अब क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट चल रही है, प्रोटेस्ट गोइंग ऑन, और बच्चे क्या कह रहे हैं, हमारी प्रीवेसी, राइट टू प्रीवेसी वायलेट हुई है। RGNLU की फुल फॉर्म होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, और ये कहाँ पर है, पटियाला के अंदर है, पंजाब, ठीक है, लिख लो ये। उसके बाद आगे चलेंगे द, अब यहाँ पर वर्ड प्रेस साइट्स होती हैं कुछ, ठीक है ना, तो वर्ड प्रेस का जो है इशू हो गया है, ऐसे वाले इशूज जो है मोस्टली एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी मैंने मार्क कर लिया था टू सी कि अगर बाई चांस मुझे लगे इंपॉर्टेंट है, बट नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स में नहीं डालेंगे। तो प्रकाश कैरेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश कैरेट, गोल्ड डायमंड कैरेट का होता है, प्रकाश भी डायमंड कैरेट, नाउ ही विल बी द इंटरिम लीडर ऑफ, इंटरिम लीडर ऑफ CPIM, इंटरिम का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, नेवी चीफ होल्ड टॉक्स ऑन स्ट्रेटेजिक टाइज विद ऑफिशियल्स इन ग्रीस, ग्रीस के साथ ये नेवल टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, अगर कोई अग्रीमेंट वगैरह होगा तब हम लिखेंगे, अभी लिखने का कोई फायदा नहीं है। PM urges participation in create in India challenges, ठीक है, अब create in India challenges क्या है, क्रिएट इन इंडिया प्लेटफॉर्म, तो क्या है ये, अब यहाँ पे ही इनकरेजेस, इनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन 25 चैलेंजेस, तो इसके अंडर 25 चैलेंजेस हैं। क्रिएट इन इंडिया थीम लॉन्च्ड रिसेंटली बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, क्यों लेकर आए ये टैलेंट, ये चैलेंज, टू प्रमोट टैलेंट एंड क्रिएटिविटी, इफ यू कैन परफॉर्म वेल इन एनी ऑफ दी स्किल्स योर टैलेंट कैन बिकम, कैन गेट अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये बोला ही सेट क्रिएटिंग अ फोकस ऑन म्यूजिक एजुकेशन, तो वो लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला है। मेक इन इंडिया कैंपेन, और उसके बाद उन्होंने अपने मन की बात में किसकी बात करी, मेक इन इंडिया कैंपेन की बात करी। मेक इन इंडिया कैंपेन जो है वो क्या है, मेक इन इंडिया कैंपेन जो है उसको 10 ईयर्स हो गए, 10 ईयर्स कंप्लीटेड इन सेप्टेम्बर 2024, ठीक है ना, जिसको मैन्युफैक्चरिंग मीडियम साइज इंटरप्राइजेस, ही अर्ज पीपल टू प्रमोट एंड बाय लोकल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, साइटिंग एन इनिशिएटिव इन महाराष्ट्र भंडारा वेयर ओवर 30 है, तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये है सेप्टेम्बर के जो वन शॉट्स हैं वो लाइव हो चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सेप्टेम्बर के आपको और MCQs जो हैं वो मिल जाएंगे, बहुत ही जल्द अपलोड हो रहे हैं कुछ, एंड कुछ नए भी बन रहे हैं, तो और टेस्ट आ जाएंगे, अभी तक अगर नहीं खरीदे तो खरीद लीजिए, loggery.in आप चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स इट।